हेलो फ्रेंड, मैं पंकज संसार ग्रीन में आपका स्वागत करता हूं। पेड़ पौधे लगाने की बहुत सारी बातें हो चुकी है, अब उसकी ग्रोथ कैसे अच्छी रहे और उसमें फल फूल कैसे अच्छे रहे, आपके पौधे के लिए मैं एक खास टॉनिक लेकर आया हूं। और वो टॉनिक क्या है, कैसे बनता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए आप हमारे पूरे वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको जो टॉनिक बताने जा रहा हूँ, आप वो किसी भी मौसम में डाल सकते हैं, सर्दी बरसात गर्मी किसी भी पौधों में डाल सकते हैं, सब्जी फल फूल। और ये टॉनिक आप 15 दिनों के अंतराल में डाल सकते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस आसान से टॉनिक को बनाने के लिए आपको बेसिक्स सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ सबसे पहले है पानी। पानी हमें टेप वाटर लेनी है, फिल्टर वाटर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि फिल्टर वाटर का इस्तेमाल से उसमें सारे मिनरल निकल जाते हैं। दूसरी चीज़ हमें लेनी है एप्सम साल्ट, इसे हम मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। इसे हमें 1 टेबल स्पून लेनी है, मतलब 15 ml इसे हमें लेनी होगी। और तीसरी चीज़ है DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसे हमें 1 टीस्पून लेनी है, यानी 5 ml। ये एक प्रकार की खाद है। और चौथी चीज़ हमें लेनी है बर्मी कंपोस्ट, यानी जैविक खाद। आप इसे 1/2 kg ले सकते हैं, यानी 500 ml। आप ये पत्ते का जैविक खाद ले सकते हैं या गोबर का। हम 10 लीटर पानी का टॉनिक बनाने जा रहे हैं, इसके अनुसार हम इसकी मात्रा डालेंगे। आप अपने अनुसार जितने पानी लेंगे उसके अनुसार आप मात्रा चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने 10 लीटर पानी लिया है, इसके लिए हम एप्सम साल्ट 1 टेबल स्पून डालेंगे, जिसकी मात्रा होगी 15 ml। 15 ml हमें ये डालनी है। ये मैंने पानी में डाल दिया। अब दूसरी चीज़ हमें डालनी है DAP। DAP हमें 1 टीस्पून डालनी है। 1 टीस्पून हमें डालनी है, 1 टीस्पून के मतलब 5 ml। अब तीसरी चीज़ हमें डालनी है बर्मी कंपोस्ट, यानी 500 ml। ये हमारा 250 ml का टी स्पून है, यानी हम 2 स्पून डालेंगे। ये मैंने 1 स्पून डाल दिया, यानी 250 ml। अब मैं दूसरा स्पून डाल रहा हूँ। यानी मेरे 500 ml हो गए। आप किसी स्पैचुला या किसी डंडे या मग से इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। ये हमारा घोल अब तैयार हो चुका है। ये देखने में बिल्कुल गंदे लग रहे हैं। चलिए आइए जब देखते हैं इसे पौधे में कैसे डालनी है और कितनी मात्रा डालनी है। आप अपने गमले के अनुसार इसमें डाल सकते हैं। ये हमारा 14 इंच से भी बड़ा गमला है, तो हम इसमें 1 लीटर डालेंगे। और ये हमारा बोनजाई पॉट है, यानी छोटा गमला, तो हम इसमें 250 ml होल डालेंगे। ये हमारा छोटा गमला है, तो हम इसमें 1/2 लीटर होल डालेंगे। ये भी छोटा गमला है, इसमें भी 1/2 लीटर होल डालेंगे। आप हर 15 दिन के अंतराल में इसे बिना नुकसान डाल सकते हैं। इससे पौधे में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है।
इसके इस्तेमाल से नई पत्तियाँ आती हैं, फल फूल आते हैं और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। आप बेझिझक इस टॉनिक का अपने पौधे पर इस्तेमाल करते रहिए, अपने पौधे और अपने बागवानी में फ़र्क महसूस कीजिए। आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए।